वेलकम टू सी एस सी क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपा अरोड़ा और डीएस के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज थ्री डायमेंशनल एरे, उसका विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन देखी थी, साथ ही साथ हमने उस पर प्रोग्राम और लेंथ कैलकुलेट करना देखा था 3D एरे के एलिमेंट्स पे। तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहां से भी जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे की एड्रेस कैलकुलेशन दो टाइप से हो सकती है, रो मेजर में और कॉलम मेजर में, क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दो टाइप से होती है, रो बाय रो यानी रो मेजर में और कॉलम बाय कॉलम यानी कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो ये दोनों फॉर्मूला है हमारे, रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है और ये हमारा क्या है, कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला है। इन्हें याद करना बहुत आसान है, मैं अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, उसके थ्रू आप इन दोनों फॉर्मूला को बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो L1, L2 और L3 है, ठीक है, ये तीन इंडेक्स के लिए दिए गए हैं यानी I, J और K के लिए। फर्स्ट जो I है वो बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ 2D एरेज हैं। जो हमारा J है यानी सेकंड इंडेक्स है वो बताता है नंबर ऑफ रो, और जो थर्ड इंडेक्स यानी के है वो हमारा बताता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये है तीनों की लेंथ दी हुई है L1, L2 और L3। यहाँ पे दिए हुए E1, E2 और E3, ये होते हैं हमारे इफेक्टिव इंडेक्स 3D एरे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को एक साइड पे इस टाइप से लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, E1 से, यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी E1 L2। फिर हमें यहाँ से यहाँ क्या करना है, प्लस करना है, यानी जो भी ये मल्टीप्लाई हो गया है उसका प्लस किसके साथ में हो जाएगा, E2 के साथ में। फिर उन जो ये पूरा का पूरा डेटा है इसकी मल्टीप्लाई होगी L3 के साथ में, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा, E3। देखिए यहाँ रो मेजर ऑर्डर में यही हुआ है, सबसे पहले हमने लिखा है बेस A यानी एरे का जो बेस एड्रेस है हम वो लिखेंगे, प्लस W। W होती है हमारी वर्ड लेंथ, ये हम 1D और 2D एरे के जो एड्रेस कैलकुलेशन है वहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए E1 मल्टीप्लाई बाय L2, फिर हम प्लस क्या कर देंगे इस सारे के सारे डेटा को, E2 के साथ में। यहाँ देखिए E2 के साथ में हमने प्लस कर दिया। फिर ये जो जितना भी डेटा है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे L3 के साथ में, और फिर जो ये पूरा का पूरा डेटा आएगा इसकी प्लस किसके साथ हो जाएगी, E3 के साथ में। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशन निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर हमारे क्या वैल्यूज़ की, जिसमें आई जे के की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। पहले हम बेस एड्रेस लेंगे, बेस एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे, जहाँ से एरे क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होना स्टार्ट होता है। W वर्ड साइज होता है, यानी अगर इंटीजर लिया है तो ये 2 होगा, कैरेक्टर लिया है तो ये 1 होगा, और ये फॉर्मूला इस टाइप से हमें यहाँ से लिखना है। तो ये है हमारा रो मेजर ऑर्डर। अब अगर बात करें कि कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे ये फॉर्मूला यहाँ से चेंज होगा, तो बहुत एक सिंपल सा तरीका है, जहाँ जहाँ हमने E1 यूज़ किया है वहाँ वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, E3। यहाँ E1 यूज़ है तो हमने क्या कर लिया, E3, बाकी सेम रहेगा देखो फॉर्मूला L2। फिर यहाँ E2 है तो यहाँ E2 ही रहा, यहाँ L3 है तो L3 की जगह क्या जाएगा, 1 आएगा यानी L1, यानी जहां जहां 3 लिखा है, ठीक है, L1, L2, L3 में जहां जहां 3 है, E1, E2, E3 में जहां जहां 3 है, वहां 3 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे क्या हमारा E3, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है रो मेजर ऑर्डर में कैलकुलेट करने का एड्रेस को, और ये हमारा फॉर्मूला है कॉलम मेजर ऑर्डर में एड्रेस करने का फॉर्मूला को। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है बी, और यहाँ पे हमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड गिवन है, ठीक है, तीनों इंडेक्सेस की। तो यहाँ से हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी L1, L2, L3, जैसे कि हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, लेंथ कैलकुलेट करी थी एलिमेंट्स की, वैसे हम यहाँ पे लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे। जिस लोकेशन का हमें एड्रेस निकालना वो है बी 333, ठीक है, और हमें जो हमारा बेस एड्रेस गिवन है वो 400 गिवन है, और जो वर्ड साइज गिवन है वो क्या गिवन है, 4 गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। हमें किस ऑर्डर में चाहिए अपना एड्रेस, हमें चाहिए रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस चाहिए। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस कैलकुलेट करने का। तो हमें पता है कि बेस ए होता है, बेस ए मतलब एरे का बेस, यहाँ पे एरे का जो है वो है नेम है बी, इसलिए हम यहाँ पे इसे बी चेंज कर देंगे, ठीक है, अभी जब हम एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू होता है हमारा वर्ड साइज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। E1, E2, E3 होता है इफेक्टिव इंडेक्स, अभी बताऊंगी कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। और L1, L2, L3 क्या होता है, हमारे लेंथ होती है हमारे इंडेक्सेस पे, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो आइए देखते हैं
कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा एरे गिवन है जिसमें पहले के ये लोअर बाउंड है हमारे जो नंबर ऑफ 2D's एरे है उसकी, और ये क्या है अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड एंड ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। तो सबसे पहले L1 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था फॉर्मूला लेंथ कैलकुलेट करने का, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो यहाँ फर्स्ट के लिए हमारी जो अपर बाउंड है वो 8 है, लोअर बाउंड 1 है, यानी 8 माइनस 1 प्लस 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सेकंड जो डेटा है उसके लिए हमारी अपर बाउंड है 5 और लोअर बाउंड भी क्या है हमारी माइनस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर बाउंड यानी 5 माइनस माइनस 5 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11। उसके बाद जो हमारी लास्ट लिमिट है वो क्या है, अपर बाउंड है 5 और लोअर बाउंड क्या है माइनस 10, यानी 5 माइनस माइनस 10 प्लस 1 डैट इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी 16, यानी L1 L2 L3 हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब E3 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, KI माइनस LBI करना पड़ेगा। KI क्या होता है कि जिस भी इंडेक्स पे हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट आई के लिए, जे के लिए, के लिए, जहाँ भी हमें एड्रेस फाइंड आउट करना होता है, ये हमारा क्या होगा, K1, K2, K3 यानी ये KI होंगे। और लोअर बाउंड तो हमें पता ही है, यहाँ पे जो है हमारा एरे दिया है इसकी जो लोअर बाउंड होगी वो हमारी LBI आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ 2D's एरे है यानी E1 के लिए निकालेंगे इफेक्टिव इंडेक्स, तो हमारा जो KI है वो तीनों के लिए क्या है, 3 है, तो 3 माइनस ये वाला 1 आ जाएगा डैट इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे 3 है, 3 माइनस यहाँ पे क्या है माइनस 5 डैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 माइनस माइनस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 13। तो इस टाइप से हमारा E1 E2 E3 भी निकल गया। अब सिंपली बस फॉर्मूला के अंदर इसे क्या करना है, पुट करना है। अब सिंपली फॉर्मूला के अंदर हम सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो 333 इंडेक्स पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 333। एरे का नेम हमारा बी है इसलिए हमने यहाँ ए से चेंज कर दिया बी। तो सबसे पहले हम बेस बी लिखेंगे, जो फॉर्मूला में जो हमें क्वेश्चन में दिया है 400 हमने यहाँ पे लिख दिया। वर्ड साइज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है डैट इज 4, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो 1D और 2D एरे में मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करने के टाइम पे बताया था कि अगर कुछ भी वर्ड साइज गिवन नहीं होगा तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। E1, L2 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये लोकेशन फाइंड आउट करना है, सेम इसी तरीके से आप कॉलम बाय कॉलम के थ्रू भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।